कितने लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तारी अब जारी। दूसरी जगह
प्रदेश अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी हुई आप प्रदेश अध्यक्ष लोग पत्थरबाजी लेकिन उसको हमने के अंदर जिस प्रकार से अवैध खनन हो, जिस प्रकार से स्नेक का व्यापार हो, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल इस संस्कारधानी फैला है, इसे संस्कारधानी जरूर कहा जाता है पर अब लगता है कारोबारों की धानी के रूप में नहीं यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे अवैध कारोबार की राजधानी के रूप में मध्यप्रदेश की विकसित हो रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इन अवैध कारोबारियों के साथ मिले हुए हैं। प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे की तो बात चल रही है पर नर्मदा पे सबसे बड़ा उत्खनन का अगर मध्यप्रदेश में केंद्र है तो वो ये जबलपुर और संस्कारधानी बनाए। हम यहाँ पे आज आए प्रशासन को चेतावनी देने कि स्पष्ट है कि जिस प्रकार से संस्कारधानी के संस्कारों को खत्म करते हैं पुलिस प्रशासन की मिली भगत है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है और हमारा आंदोलन है कि यहाँ पे जिस प्रकार से लूटपाट हत्या डकैती इसमें वो जो अवैध कारोबार हो रहा है इसके ऊपर पूर्णता प्रतिबंध लगे, उसके लिए हम लोग आंदोलन करके कांग्रेस के तमाम साथियों के संघर्ष को मैं सराहता हूं। पत्रकारधानी को जो लोग कलंकित कर रहे हैं, पत्रकारधानी के पत्रकारों को कलंकित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई करें। इस समय की दलाली में कौन परिवार के चुके हैं, सत्ताधारी दल के कितने लोग चुके हैं, 60-60 जो पैसा था कमाने की जरूरत में सत्ताधारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरा सट्टा इसमें और जबलपुर में बड़े बड़े युवा घर चल रहे हैं, इन सबको पुलिस रोक के अराजक व्यवस्थाओं को रोक के सस्ते नशा जो जबलपुर में चल रहे हैं इसमें पीने वाला आदमी स्नैचिंग भी कर रहा है, पीने वाला आदमी लूट भी कर रहा है, इसमें पीने वाला आदमी डकैती भी डाल रहा है, इसमें जैसे नशे पर प्रतिबंध हो और युवा पे प्रतिबंध हो, सट्टा शराब पे कारोबार पर प्रतिबंध हो, ये युवक कांग्रेस की मांग है और युवक कांग्रेस की ये मांग सरकारी कानून का नौजवान जब सोच लेता है तो निश्चित मांग के चलिए पूरे प्रदेश में माहौल बदलता है और ये समय आ गया है। पत्रकारधानी का नौजवान जाग चुका है, पत्रकारिता को खबर लेने में आइए। अभी तो ये हमारा आंदोलन जिस रूप में है सामने, इससे भी बड़ा विकराल। थैंक यू।